गर्दन का दर्द या नेक पेन ये क्यों होता है और इसको कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों, इस पे बात करेंगे। ये वीडियो को एंड तक देखिए और आपको गर्दन का दर्द और ट्रेपेजी का दर्द क्यों हो रहा है, कैसे डेवलप हुआ है और इसका क्या इलाज है, कैसे इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों आजकल जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर हमारी गर्दन पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस का मतलब, ज़्यादातर लोग ऑफिस में लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं जिसमें उनकी गर्दन झुकी हुई रहती है, बाकी लोग मोबाइल पे काम करते हैं तो मोबाइल पे भी उनकी गर्दन झुकी हुई रहती है, कई बार हम लेट के टीवी देखना, लेट के बुक पढ़ना, इसमें भी हमारी गर्दन झुकी हुई रहती है। कोई भी काम जिसमें हमारी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है और जो हमारे कंधे हैं वो ड्रूप रहते हैं आगे, ये हमारी गर्दन पे बहुत स्ट्रेस डालता है दोस्तों। इसकी वजह से हमारी जो गर्दन की मांसपेशियाँ हैं उन पर स्ट्रेस पड़ता है, गर्दन में जो वर्टिब्राज होती है उन पर स्ट्रेस पड़ता है, वर्टिब्राज के जो बीच में डिस्क होती है उस पर स्ट्रेस पड़ता है। इस वजह से कई बार हमारी डिस्क फट जाती है जिसको बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, या फिर हमारी मांसपेशियों, गर्दन की मांसपेशियाँ वो अकड़ जाती है जिसके कारण गर्दन में बहुत तेज़ दर्द होता है। गर्दन का दर्द नीचे तक भी आ सकता है, आपके ट्रेपेजियस तक, या आपके कई बार हाथ में भी आता है अगर आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो गई और वो पीछे वाली नर्व को दबा रही है, साथ में आपकी गर्दन अकड़ जाती है मतलब वो घूमती नहीं है, कई बार एक डायरेक्शन में नहीं घूमती, कई बार दोनों डायरेक्शन में भी घूमना बंद कर देती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप इस तरह के पोस्चर को लगातार रहते हैं और इसके कारण आपके गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होने लगती है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का पेन हो रहा है तो सबसे पहले आपको गर्दन में गर्म पानी या हॉट फर्मेंटेशन का सेक करना चाहिए, उससे आपकी गर्दन की मसल्स थोड़ी रिलैक्स होगी और आप बेटर फील करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आपको अपने गर्दन की स्ट्रेचिंग्स करनी होती है दोस्तों। सो गर्दन की स्ट्रेचिंग्स मैं आपको एक बड़ा सिंपल स्ट्रेचिंग बताऊंगा। इसमें आप अब एक अपना हाथ पीछे रखेंगे जिस तरफ आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ से आप अपने सर को पकड़ के अपना जो चिन है वो अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, उसको होल्ड करेंगे। दूसरी स्ट्रेचिंग में जो चिन को आप ऊपर लेके जाएंगे सीलिंग की तरफ और होल्ड करेंगे, इसमें आपके गर्दन की पूरी स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग को आपको थोड़ी देर होल्ड करना है, ये आप दोनों तरफ कर सकते हैं। गर्दन दर्द के बाद धीरे धीरे ये स्ट्रेचिंग चालू कीजिए। आपको अगर और क्विक रिलीफ चाहिए तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं जो आपको IFT शॉर्ट वेव डायथर्मी इस तरह का ट्रीटमेंट देंगे। साथ में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं जो आपकी गर्दन की दर्द को जल्दी ठीक करें। कुछ दिनों मतलब 2 से 3 दिन के बाद आपको दोस्तों गर्दन की स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस चालू करनी है जिसके अंदर आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बहुत कॉमन है। सो आप गर्दन की आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करेंगे, इसका भी मैं आपको एक सिंपलर वर्जन बताता हूँ। सबसे पहले आपके हाथों को सर के पीछे रखना है, हाथ से आपको आगे धक्का देना है, सर से पीछे धक्का देना है और आपको होल्ड करना है उस पोस्चर को 10 सेकेंड तक, इस तरह से। इसमें आपकी जो गर्दन की जो पीछे वाली मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होती है दोस्तों। इसी तरह से आप हाथ को साइड में रखेंगे, गर्दन से आप हाथ की तरफ धक्का देंगे और हाथ से आप गर्दन की तरफ धक्का देंगे पर आप हिलेंगे नहीं, उसको पोस्चर को मेंटेन करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड में और फिर फ्रंट में, ये होती है गर्दन की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, ये आप करना चालू कर दें। दोस्तों जब गर्दन में दर्द होता है तो जनरली लोगों के शोल्डर भी ड्रूप्ड रहते हैं, शोल्डर आगे तरफ झुके हुए रहते हैं, इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये ठीक नहीं किया तो आपकी गर्दन का दर्द पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होगा। तो स्कैपुलर रिट्रैक्शन या स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस की जाती है। इसके अंदर जो आपके स्कैपुलर ब्लेड हैं दोनों, आपको उनको पास पास में लेके जाना है, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और रिलीज़ करना है। तो दोस्तों अगर आपको गर्दन का दर्द हो रहा है तो ये सिंपल स्ट्रेचिंग्स, सिंपल आइसोमेट्रिक और स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन, ये कुछ एक्सरसाइजेस करने से धीरे धीरे आपके गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने सिर्फ स्ट्रेचिंग करी, दवाई खाई और गर्म पानी का सेक किया और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की तो दोस्तों ये गर्दन का दर्द दोबारा दोबारा आता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, आइसोमेट्रिक्स और स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन, ताकि आपका गर्दन का दर्द जड़ से ख़त्म हो जाए, दोबारा कभी नहीं आए।
दूसरा आपको बहुत सारे तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं जिसके अंदर आप गर्दन झुका के काम नहीं करेंगे। तो अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो आप कीबोर्ड इस पोजीशन में रहेगा, पर आप अपना जो स्क्रीन है उसको आप 2 से 3 किताबों के ऊपर रख सकते हैं ताकि आपकी गर्दन नहीं झुके। मोबाइल से काम करना चाह रहे हैं तो मोबाइल को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी गर्दन नहीं झुके। वहीं अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो लेट के ना देखें, वो आप बैठ के देखें ताकि आपकी गर्दन ना झुके। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसमें आपकी गर्दन बहुत लंबे समय तक झुकी रहती है। मॉडिफाई करें एक्टिविटीज़ को, अवॉइड नहीं कर सकते बहुत बार, मॉडिफाई करें। रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेचिंग करें, इसके अपने स्टेबलाइजेशन करें और आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस कीजिए। इसके बाद आपको कोई गर्दन का दर्द नहीं रहेगा, सारा गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको तकलीफ है तो आप हमें अपनी तकलीफ़ व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम बताएंगे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके लिए।